अल्लाह वरह बैठे अजीज़ में शान मतलावत तलावत वरह् वरक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله قل ان साहब तर्जमाक अभी आपके सामने सूरतुमर की आयात दस्ता तेरह की तिलावत की गई है अब इन आयात करीमा का उर्दू काजमा बयान फरमोदा हजरत खलीफ़तलमसीानी रज़ी अल्लाह खिदमत है मैं धुतकारे हुए शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद कर्म करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ क्या जो शख्स रात की घड़ियों में सजदे और क्याम की सूरत में फर्मा बरदारी का नमूना दिखाता है और आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है वो नाफ़रमान की तरह हो सकता है तो कह दे क्या इल्म वाले लोग और जाहिल बराबर हो सकते हैं नसीहत तो सिर्फ सिर्फ़लमंद लोग हासिल किया करते हैं इसी तरह कह दे कि ए मेरे मोमिन बंदो अपने रब का तक्वा इख्तियार करो वो लोग जो इस दुनिया में इलाही अहकाम को पूरी तरह अदा करते हैं उनके लिए अगले जहान में नेक बदला मुकर है और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है साबिरों को उनका अज्र बग़ैर हिसाब के पूरा पूरा दिया जाएगा तू कह दे कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इस तरह इबादत करूँ कि इतात सिर्फ उसी के लिए मखसूस कर दूँ और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे बड़ा फरमा साहब बनूँ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منظوم السلام كلام سيدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام اے دوستو پیارو اقبا بسارو कुछ राह ले लो कुछ काम में गुजारो दुनिया है जायफानी दिल से से उतारो दुनिया है जाए फानी दिल से, से उतारो ये रो

जी मत लगाओ इससे, दिल को छुड़ाओ इससे, से रगबत हटाओ इससे, बस दूर जाओ इससे यारो ये दहा है जा को बचाओ इससे यारों ये दहा है चाको बचाओ इससे ये रोज कर मुबारक सुबह न मै

जो इसके पढ़ने वाले उन पर खुदा के फैजा उन पर खुदा की रहमत जो इस पी मी रहम जो इस पिल मां रोज़ कर मुबारक सुबहा मै य है चष मे हाय जिस्को येनाय है चमाय हिदायत जिसको हो ये इनायत ये है खुदा की बातें इनसे मिले विलायत یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت یہ نور دل کو بخشے दिल में करे सिरायत ये रोज कर मुबारक सुबह रानी कुरान को याद रखना काद रखना कुरान को याद रखना पाके तद रखना फिक्रे माद रखना पास अपने जाद रखना इक सीर है प्यारे सिद को सदाद रखना एक सीर है प्यारे सिद्ध को सदाद रखना ये रोज कर मुबारक سبحان ميّا راني يروزكر مبارك سبحان ميّا راني زهير خان صاحب السلام عليكم बसमलर सैदी जाम अहमदिया यूके के कारकुनान तलबा और इस अल्लाह के फ़ल और उसकी इनायात के बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमारे आका की पंद्रह दिसंबर दो हज़ार उन्नीस से तकरीबन साढ़े तीन साल बाद जाम अहमदिया में एक मरतबा फिर तशरीफ़ आवरी हुई है अलहदिल्लाजालिकब सदी जाम अहमदिया यूके से तहसील होने वाले सटसठ सट अड़सठ सट मबीआान कराम के चार बैजि जो 2019 से 2022 के अरसे में तहसील होकर मैदान अमल में ख़दमत दीनिया की तोफ़ी पा रहे हैं और जिनकी तक तक्र... जिनकी तकरीबत तकसीम स्नात कोविड 19 की वजह से मन्क़द नहीं हो सकी थी आज इस बाबर का तकरीब में इनशा हजूर अनवर एदकूमल ताली बिन अजीज़ के दस्ते मुबारक से असनाद हासिल करने की सदत पाएंगे इस तरह बशमूल इन मरबीन कराम के जाम अहमदिया यू के अल्लाह ताली के फज़लो एहसान की बदौलत अब तक कुल एक सौ निन्यानवे मरबीन कराम का नजराना अपने आका की ख़मत अकदस में पेश करने की तोफ़ी पा चुका है अलहमदिल्ला सैदी आज की तकरीब में उसनाद पाने वाले इन खुशनसीब तलबा का तलीमी सफ़र जामदिया यू के में दो हज़ार बारह से दो हज़ार पंद्रह के दौरान शुरू हुआ था जिसके बाद ये तलबा जाम के सात साल तदरीसी दौर में इलमी अमली वर्जशी और तरबीती लिहाज से मुख्तल मरा से गुजरे जिनमें कदम कदम पर हजूर अनवर आईदमल्ल त रहनमाय शाम हाल रही इस सात साल दौर में इन तलबा ने जो काबिल शादत की तोफीक़ पाई वो हजूर अनवर सैदकूम ला तबिन अजीज की मौजूदगी में जलसा हाय सालाना यू के सालाना पीस कॉन्फ्रेंस मजलिस मजलस खुदामदिया और इजतम वाकफी ने नौ जैसे बाबरकत मौाक़े पर मुख्तफ शोबाजात में खिदमत की तोफ़ी पाना है नीज़ मजलस ख़ुदामदिया यू के जेर इंतज़ाम इस्लामाबाद में अमूमी की ड्यूटियों की शादत पाना है इलावा अजीं कोविड नाइन्टीन से पहले और इस वबा में कमी आने के बाद इन तलबा को हजूर अनवर सैदकूम ला तबिन अज़ीज़ की इब्तः में नमाज़ें पढ़ने और हजूर अनवर से मुलाकात करने की भीदत हासिल होती रही जो इन तलबा की ट्रेनिंग का यकीन सबसे अहम बुनियादी और खुशगवार हिस्सा है सैदी आज की इस आठवीं तकरीब तकसीमाम में यूके के अलावा बेल्जियम नॉर्वे जर्मनी और स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा इन शह हजूर अनवर से स्नाद हासिल करने की सदत पाएंगे दो हज़ार इक्कीस के बैच के दो मबीन कराम मुकरम आसिफ मुनीर साहब न्यूजीलैंड और मुकरम हसान अहमद साहब खिदमत दीन में अमल होने की वजह से आज की इस तकरीब में शामिल नहीं हो सके लिहाजा हजूर अनवर की इजाज़त से हर दो मरबीन कराम के वालद साहबान इनकी असनाद वसूल करेंगे इसी तरह मुकरम दानियाल अहमद साहब बावजा अलालत इस तकरीब में शामिल नहीं हो सके उनकी सन्त इनशा एडिशनल वकील वकालत तबशीर के ज़रिए उन्हें पहुँचा दी जाएगी नीज़ दो हज़ार उन्नीस के बैच के एक तलबिल्म अजीज़म मोहम्मद रज़ा सलीम इबन मोहतरम मोहम्मद सलीम जफर साहब जो दो हज़ार बारह में जाम अहमदिया में दाखिल हुए थे और अल्लाह ताली की मशीयत के तहत दो हज़ार सोलह में जबकि वर्जा सालसा के ताले थे, एक हादसे में इस जहां फ़ानी को छोड़ कर अपने ख़ाल के हकीक़ी से जा मिले इज आज की इस तकरीब में हज़ूर अनवर एदकूमल तला बिन अजीज़ की शफक़त और इजाज़त से इस अजीज़ के लिए भी एक यादगारी सर्टिफिकेट है जो अज़ीज़ के वाल वालद महतरम वसूल करेंगे अल्लाह ताली जाम अहमदिया के तलबा उसा और कारकुनान को हमेशा खिलाफत अहमदिया का वफ़ादार बनाए रखे हमें ऐसे रंग में ख़दमत दीन की तोफ़ी बख्शे जिससे हम हजूर अनवर एदकमल तिन अजीज की खुशनुदी और दुआएँ हासिल करने वाले हों और हमसे कोई ऐसी हरकत सरजद न हो जो हजूर अनवर के लिए तकलीफ़ का मौजब हो आमीन इस दुआ के साथ हम सब हजूर अनवर के बेहद शुक्र और ममनुन एहसान हैं कि हजूरे हजूर अनवर ने हमारी आज़ाना दरख्वास को अज़रा शफ़कत कबूल फ़रमाते हुए इस तकरीब को रौनक बख्शी फ़ल हमदल अलाजालिक व जजाकुमल हसन इन मुख्त मुख्तसरगुजारशात के साथ हजूर अनवर की खिदमत अकदस में नहायत अदब के साथ दरखास्त है कि हजूर अनवर अजरा शफकत इन मुरबियान कराम को शाहिद की डिग्री ताफ़रमाएं नीज तदरीसी साल दो हज़ार इक्कीस बाईस की बाकी छः क्लासों के अव्वल दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को असनाद इम्तियाज़ से नवाजें जजाक हजूर की इजाज़त से अब सबसे पहले जाम अहमदिया यू के ताली साल दो हज़ार इक्कीस बाईस में दर्जा ममदा से दर्जा खामसा तक अव्वल दोम और सोम पोजीशन लेने वाले तलबा हजूर सेनाद इम्तियाज़ हासिल करेंगे अजीज़म उसामा महमूद अव्वल दर्जा खामसा अज़ीज़म अलीम जिया दोम दर्जा खामसा अज़ीज़म फहीम अहमद दानिश सोम दर्जा खामसा दर्जा राब में अजीज़म मबरूर अहमद जे फर्रुख अव्वल अजीज़म हजीम आरिफ दोम अज़ीज़म एहतमाम अहमद आरिफ सोम दर्जा सालसा अज़ीज़म सरफराज अहमद अज़ीज़म सुहेब ताहिर राना दोम अजीज़म मुताहर मुबशर इफ़त सोम सा दर्जा सानिया अजीजम तााहन खांदकर अजीज़म मुतहर अहमद दानिश दोम अजीज़म खाकान मुजफ्फर अर सोम दर्जाउल अजीज़म सबाहुद्दीन अलीम अव्वल अज़ीज़म माहिद अहमद दोम अजीज़म अतर अहमद सोम मुहिहद अजीज़म फरीद अहमद खान अवल अजीज़म हन्नान अहमद मनान दोम और अज़ीज़म मसरूर अहमद अहद सोम अब मुरबाना कराम दो हज़ार उन्नीस में जो हैं अज़ीज़ मुकर्रम दानियाल महमूद साहब मुरबी सिलसिला ये वो बैच है जो 2019 में फारगत तहसील हुआ है जाम अहमदिया यूके से मुकर्रम सैद अदील अहमद शाह साहब मुरबी सिलसिला मुकर्रम हाफिज ताहा दाऊद साहब मरबी सिलसिला मुकर्रम सफीर अहमद साहब मुरबी सिलसिला मुकर्रम शाहजेब अतहर साहेब मरबी सिलसिला मुकरम ज़ाफिर अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम आमिर सईद साहेब मरबी सिलसिला मुकरम शहरियार अकबर साहेब मरबी सिलसिला मुकरम हमज़ा सुल्तान साहेब मरबी सिलसिला मुकरम फैज़ान वडाइज साहेब मरबी सिलसिला मुकरम राना कामरान अहमद शम साहेब मरबी सिलसिला मुकरम नदीम अहमद भट साहेब मरबी सिलसिला मुकरम रजा मोहम्मद स... रज़ा सलीम साहेब इनकी डिग्री मुकरम उनके वालिद मुकरम मोहम्मद सलीम जफर साहेब यादगारी सर्टिफिकेट है इनका हजूर की इजाज़त से वो वसूल करें इसके बाद 2020 हजार बीस में जाम अहमदिया यूके से फारग तहसील होने वाले मुरबिया ने कहा मकरम आसिफ बिन उवैस साहेब मुरबी सिलसिला मुकरम अब्दुल हादी साहेब मुरबी सिलसिला मुकरम सुहैब अहमद साहेब मुरबी सिलसिला मकरम हुजैफा ताहिर साहेब मुरबी सिलसिला मकरम मोहम्मद अतर साहेब मरबी सिलसिला मकरम सरफराज अहमद बाजवा साहेब मरबी सिलसिला मकरम अदील तैयब साहेब मरबी सिलसिला मकरम अजहर अहमद साहेब मुरबी सिलसिला मकरम अताउनूर हादी साहेब मरबी सिलसिल्ला मुकरम फरहाद अहमद साहेब मरबी सिलसिला मुकरम मुआाज अहमद साहेब मुरबी सिलसिला मुकरम फतीन अंजुम साहेब मरबी सिलसिला मुकरम नसर अहमद अरशद साहेब मरबी सिलसिला मुकरम तहमीद अहमद साहेब मरबी सिलसिल मुकरम मुबारस महमूद अमीनी साहेब मुरबी सिलसिल्ला मुकरम शहज़ाद अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम हाफिज़ हारिस रफ़ी डोगर साहेब मरबी सिलसिला इसके बाद 2021 में फ़ारक़ुत तहसील होने वाले मुरबीआन कराम इन में मकरम इनमें कासिम महमूद साहेब महमूद ख़ान साहेब मबी सिलसिला लेकिन इससे पहले मुकरम दानियाल अहमद साहब वो नहीं आ सके सॉरी मुकरम समर अहमद शेख साहब मुरबी सिलसिला जी मुकरम कासिम महमूद ख़ान साहब मरबी सिलसिला मुकरम समर अहमद शेख साहब मरबी सिलसिला मुकरम उसामा भट साहब मरबी सिलसिला मुकरम अलीम अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम इमरान अकरम साहब मरबी सिलसिला मुकरम मुकरम मशहूद अदीब अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम आसिफ मुनीर साहब की इनकी जो सनद है उनके वालद मोहतरम वसूल करेंगे मक्रम मुनीबरहमान साहेब मुरबी सिलसिला मुकरम नमान अहमद साहब मुरबी सिलसिला मुकरम मोहम्मद सुहैब अहमद ख़ान साहब मरबी सिलसिला मुकरम हसान अहमद जफ़र साहब इनकी डिग्री इनका सनद जो है इनके वालिद मोहतरम वसूल करेंगे मकरम फरीद अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम शराज अहमद ख़ान साहब मरबी सिलसिला मुकरम साद अहमद साहेब मरबी सिलसिला मुकरम मुस्तफ़ा अहमद सदीकी साहेब मरबी सिलसिला मुकरम उस्मान मन्नान साहेब मरबी सिलसिला मुकरम खालिद वलीद गुनजालिद साहेब मरबी सिलसिला मुकरम अनस अहमद साहेब मरबी सिलसिला मुकरम मशहूद अहमद ख़ान साहेब मरबी सिलसिला मुकरम सैद तलाल अहमद शाह साहेब मरबी सिलसिला और इसके बाद 2022 में फारग तहसील होने वाले आने करा मुकरम मुसब रशी डोगर साहेब मरबी सिलसिला मुकरम रुमान महमूद बासित साहेब मरबी सिलसिला मुकरम आकाश अहमद साहिब मरबी सिलसिला मुकरम तलत सयाम साहेब मरबी सिलसिला मुकरम दानियाल तसवूर अहमद साहिब मबी सिलसिला मुकरम व कासानुल्ल सा साहिब मबी सिलसिला मुकरम मुतहर अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम जलीस अहमद ख़ान साहेब मरबी सिलसिला मुकरम राना मुकीद साहब मरबी सिलसिल्ला मुकरम मुबारस अहमद चौधरी साहब मरबी सिलसिला मुकरम हारिस अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम उसामा मुबारक साहब मरबी सिलसिला मुकरम उस्मान अली अंजुम साहब मरबी सिलसिला मुकरम मिर्ज़ा उसामा बशीर अहमद साहब मरबी सिलसिला मुकरम अब्दाल अहमद तो़ीर साहब मरबी सिलसिला मुकरम मुदसर अहमद भट साहब मरबी सिलसिला मुकरम वलीद अहमद साहिब मुरबी सिलसिला और मुकरम शाहजेब तैयब साहब मुरबी सिलसिला السلام عليكم ورحمه الله وشمع Bismillah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله كي تنسالون كي بعد जामिया इमदिया यू के की कॉन्वोकेशन आज मनकद हो रही है इस अरसे में जहाँ जो फॉर्मल फंक्शन थे कॉन्वोकेशन वग़ैरह या दूसरी क्लासें वगैरह वो मनक़द नहीं हुई जामिया के तलबा से जो मेरी मुलाकात हुआ करती थी इंफरादी तौर पर वो भी बाकायदा नहीं रही इसलिए बहुत सारे तलबा जो पिछले तीन चार साल में वारग हुए हैं या आजकल जो जामिया में हैं उन कुचेरों से मैं शायद नहीं पहचानता या नहीं पहचान सका और मास्क की वजह से बिल्कुल नहीं बाज़ों के मैंने मास्क उतार के भी देखे इसका भी एक फ़ायदा होता है ज़ाती तारफ़ का उनके चेहरे भी याद रहते हैं फिर उनकी रिपोर्ट्स के बाद उनके काम भी याद रहते हैं और अगर तो जो दिलानी हो तो वो भी दिलाई जाती है बहरहाल अल्लाह ताला का फ़ल है कि वबा तकरीबन ख़त्म है और अब दोबारा मामूल की ज़िंदगी वापस आ रही है इनशाला जो पुरानी एक्टिविटीज़ थी जो वस, वो प्रोग्राम थे वो दोबारा शुरू हो जाएंगे <coughs> हमेशा याद रखें कि जिस मकसद के लिए जामिया में दाखिल हुए थे उसको हासिल करने की हमेशा कोशिश करनी है आपने उस मकसद की कुछ तरबियत लेकर आप जामिया से निकलें ये नहीं कि वो मकसद हासिल कर लिया आपको रास्ते दिखाए गए हैं कि ये ये रास्ते हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए जो एक वाकफ़ी ज़िंदगी और मुरबी और मबलक का होना चाहिए बस इस बात को हमेशा याद रखें अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और इस मकसद को हासिल करने के लिए आपने अब ख़ुद मेहनत करनी है पहले आप उस से मदद ले लेते थे या इम्तहान दिए जाते थे वो सिर्फ़ इसलिए कि आपको ये बताया जाए कि ये ये बातें हैं जिनकी तरफ़ तो मतज तो देनी चाहिए लेकिन वो भी महदूद होती हैं इलम को वसी करना हर तालब इलम का काम है और हर मुरबी का काम है इसके लिए ज़ाती मताले भी ज़रूरी है और मैदान अमल में आकर ये ज़ाती मताल ज़्यादा बेहतर हो जाना चाहिए बाज मान चंद साल या कुछ अर्से अच्छा से मैदान अमल में है इस अरसे अच्छा में एक अच्छे मुरबी और ममालिक को तो हमेशा ये जायज़ा लेते रहना चाहिए था कि क्या हमने अपने मकसद के हसूल अपना मकसद हासिल करने के करसूल की तरफ जा रहे हैं या उसको कुछ हद हाँ तक हासिल किया है या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं क्या हमारी इबादतों के मैार बुलंद हुए हैं क्या हमारे इल्मी मैार बुलंद हुए हैं क्या हमारे अखलाकी मैार बुलंद हुए हैं तलबिली तो के ज़माने में एक और सोच होती है और जब मैदान अमल में इंसान आ जाता है तो बिल्कुल और सोच होती है उस वक़्त फिर मुरबी और मवली को लोग देख रहे होते हैं जायज़ा ले रहे होते हैं कि इसके अमल कैसे हैं इसका इल्म कैसा है इसकी बातों के मैार कैसे हैं बस ये बातें हमेशा याद रखें कि अब आप लोगों के लिए एक नमूना है या लोग ये तो 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 को रखते हैं कि मुरबीआन तो हमारे हमारे लिए नमूना हो और इस लिहाज से फिर अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करने की ज़रूरत है जो एक मुरबी को करनी चाहिए जब ये जायज़ा लेंगे आप तो ये जायज़ा एक मुरबी को आला मैार हसूल की तरफ लेके जाएगा आपकी ये कोशिश होगी कि मैंने ये अली मैार हासिल करने हैं इन बातों के इसी तरह जो नए रबैया निकल रहे हैं उनको भी बातें सामने रखनी चाहिए तभी वो अपने वक्फ़ के मकसद को हासिल कर सकेंगे जामिया के साथ साल तो जैसा कि मैंने कहा मुख्तफ़ के असूल का रास्ता दिखाने के लिए इनको हासिल करना इनसे सही फ़ायदा उठाना अब मैदान अमल में आकर हर एक की ती कोशिश पर मुनसर है कामयाब मुरबी और ममलिक वही हैं जो मुसलसल कोशिश इन बातों के असूल के लिए करते हैं बस अब आपकी ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ गई इस लिहाज से अपने जायज़े मुस्किल लेते रहें और देखें कहाँ हमारे कदम रुके हैं कहाँ रोकें पैदा हुई हैं कहाँ मैंने अपनी सलाह करनी है कहाँ बेहतरी पैदा करने की कोशिश करनी है बहरहाल जिस वक्त मैं हज मुस्लिम आऊद हो कि मरोन को जो नस्ए हैं मुख्तलि में उनके हवाले से कुछ बातें कहूँगा। कहूँगाज मुस्लिम हो ने अपने तवील दौर खिलाफत में जहाँ जमात के इंतज़ामी निज़ाम को मनज़म किया अलावा रूहानी तरक्यात और तस् कामों के और इशात के इशात दीन के वहाँ रुबीन के निज़ाम को भी कि भी आसन रंग में रहनमाई फरमाई उन्हें भी मुलाजुम फरमाया और जामिया के तलबा को भी मबीन को भी मुख्तल वक्तों में नसाय फरमाईं, जो ऐसी नसायें हैं कि अगर और वलगीन उन पर अमल करें तो एक इनकलाभ लाने का ज़रिया बन सकते हैं आपकी नसायें पुराने मुरबीन बल्कि उन सहाबा पर को भी थी जिन्होंने हज़र मुसीम का गुण ज़माना गुजारा जब उनको मबी और के तौर पर भेजा तो आपने उन्हें फरमाई, फरमायेंूमी तौर पर भी नसाय फरमाएं हजर अस्लिमावत इतलां हो कि ये नसाय और रहनुमाई किताबी सूरत में भी छप चुकी है जरिहद आयात ब्राय मुबल्गी के नाम से इसे हर मबी को और मवलिक को ज़रूर अपने पास रखना चाहिए और इसका मुतालिया करके अपने लिए इसमें से नोट्स बनाने चाहिए और इन नोट्स को फिर जब देखते रहेंगे इसमें से बहुत सारी बातें खुलासा निकाल के जब आप पॉइंट्स बना के रखेंगे अपने पास और उसको देखते रहेंगे तो अपनी हालत की बेहतरी की तरफ तरफ भी तोजो रहेगी और यादहानी भी होती रहेगी आपको बस इसको भी ज़रूर देखें बहरहाल इस वक्त में बाज़ा निकात की तरफ़ तोजो दिला देता हूँ ख़ुलासा ये निकात हर मुरबी को अपने सामने रखने चाहिए पहली बात ये कि मुरबी और मबलिक बे हो अगर बेगरज होगा ज़ाती अगर आज नहीं होगी तो इससे अपनों की तरब में भी मदद मिलती रहेगी और तबलीग के मैदान में भी मदद मिलती रहेगी हमारे बहुत से बुज़ुर्ग मुबलिन ने रियानान ने इस परमल किया और इस तरह उनके तबलीग के मैदान उसी तरह होते चले गए ना सिर्फ पुराने ज़माने के बल्कि इस ज़माने में भी गुज़तर दिनों ने वाल ख़ुर्शीद साहब की वात हुई तो मैंने उनकी मिसाल दी थी कि किस तरह वो बेगर्ज होकर हर एक से रबता रखते थे अपनों और गैरों से ताल्लुक़ थे उनके और उसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी की जिसका नतीजा यह निकला कि जहाँ जहाँ भी वो रहे उन्होंने जमातें भी कायम की और बैतें भी हासिल की बस इस बात इस से हमेशा फ़ायदा उठाएँ जो उनके पुरानों के तजुर्बात हैं और किस तरह उन्होंने अपने काम किए और किस तरह हमने अपने हालात के मुताबिक अपने कामों को बेहतर बनाना है लेकिन बुनियादी बात यह है कि बेगर्ज होकर बेनफ्स होकर काम करना है। फिर ये भी ज़रूरी है कि मरबी और मबलिक में दुलेरी होनी चाहिए बहादुरी होनी चाहिए तरबियती अमूर में भी और तबलीग में भी सही इस्लामी नज़र बग़ैर किसी खौफ के बयान करना चाहिए ये नहीं कि मसलियत में आके खामोश हो गए या इस तरह बयान कर दिया जो वाज ना हो अपनी जान बचाने की कोशिश की इस तरह नहीं बल्कि दिलेरी और बहादरी से अपना नुक़ नज़र बयान करें आजकल माशरे में बहुत सी बुराइयाँ हैं इनको हमत से और ज़रूरत से बयान करना और इसलाह की कोशिश करना हर मुरवी का काम है बज दफ़ा बाज़ बातें बयान करते हुए हम झिझकते हैं कि लोग क्या कहेंगे कहीं गलत बात ना निकल जाए लोगों पर बद असर ना हो जाए अगर आपकी अप्रोच सही है आप अगर हमत से काम ले रहे हैं तो वही बातें जो बज़ाहिर कहनी बड़ी मुश्किल हैं अगर आप इस तरह कहें जो बरह रास्त किसी पर हमला होता हो तो वो उसका असर मनफी निकल सकता है लेकिन अगर हमत से समझाया जाए जायज़ा लिया जाए फिर बात की जाए तो उसका मुसबत असर होता है बस बात जरूरत से बयान करनी है और हमत से बयान करनी है खौफ किसी किस्म का नहीं होना चाहिए फिर ये बात भी बहुत ज़रूरी है हर मबी और मल्लिक के लिए कि अपनों और गैरों के लिए उसमें हमदर्दी का जज्बा हो उनके दर्द को महसूस करें जब ऐसी हमदर्दी लोगों को नज़र आती है तो एक जाती ताल्लुक़ पैदा होता है उस शख़्स से और फिर तरबती अमूर में, में भी आसानी पैदा हो जाती है और तबलीगी अमूर में भी आसानी पैदा होती है फिर ये बात भी याद रखें कि उलूम की भी वाक़ियत होनी चाहिए हर मुरवी को ये नहीं कि सिर्फ दीमूम हासिल करते रहें दुनियावी भी पढ़ें अखबार पढ़ें बाद आर्टिकल आते हैं वो पढ़ें हालात हाज़रा की सूरत हाल का भी इलम होना चाहिए और फिर अगर लोगों की असलाह के लिए इन बातों को सामने रख कर कुछ कहना पड़े तो जब उन बातों को सामने रख के आप कहेंगे जब ये अगले को इलम होगा तो इसको हालात हाज़रा का भी इलम है इसको मौजूदा ज़माने की बातों का भी इलम है तो फिर उसका मुसबत असर होता है फिर आपकी बात लोगों पर असर करती है फिर ये बात भी बड़ी अहम हैान के लिए कि उनको अपनी ज़ाहरी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए और लिबास भी उनका बावकार होना चाहिए ये नहीं कि खिलंडरों की तरह अब ज़माना लेवल में गुज़र गया मैदान अमल में आ गए या आने वाले हैं तो आपके लिबास ऐसे हों जो बवकार हों जहाँ ऐसे आपको जब बेहतर सफाई की तरफ ख़्याल होगा लिबास भी, हो भी वकार होगा अपने अमूमी हालत को भी पुरवकार रखने की ज़रूरत जो पैदा होगी वहाँ दूसरों पर भी इसका असर अच्छा असर पड़ता है बाज लोग समझते हैं कि मसलन तबलीग करने के लिए उन लोगों में घुल मिल जाने के लिए वैसा होना ज़रूरी है हाँ उनकी बातें सुने उनकी बातों को उनके अंदाज़ में एक रख रखाव के साथ बयान ज़रूर करें लेकिन उन जैसी हरकतें कर देना करना ये गलत है हमने दुनिया में इनकलाब पैदा करना है दुनिया को अपने पीछे चलाना है दुनिया को सही इस्लामी तलीम से आगाह करना है इसलिए अपनों की तरबियत के लिए भी और गैरों में इस्लाम को सही पैगाम पहुँचाने के लिए भी एक मुरबी और मुबलिक का बावकार होना बहुत ज़रूरी है और इसका असर जहरी हालत से भी पड़ता है जब आपकी जाहरी हालत अच्छी होगी तो ख़ुद भी एहसास रहेगा कि मेरा एक मेरी ये हदूद हैं कुछ इन हदूद के अंदर मैंने रहना है बस इस बात का तो ख्याल रखें फिर ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि कनात की आदत डालें अपनी ज़ाती अखराज अपनी आ, आमद के मुताबिक करने की कोशिश करें बहुत कम अलाउंस मिलता है इस कम से कम अलाउंस में गुजारा करने की कोशिश करें हाँ अगर अल्लाह फजल फरमा देता है मुख्तफ़रा से कोई आमद हो जाती है तो ये अल्लाह का फ़जल है वालदेन अगर ख़्याल रखते हैं तो ये भी उनकी मेहरबानी और अल्लाह का फ़जल है लेकिन कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कोशिश ये करें कि हमने अपने अपनी हदूद में रहना है अपने आमद के मुताबिक अपने अखराज करने और यही बात अपने बी बच्चों के जहनों में भी डाल दें तो फिर ही पुरस्कून जिंदगी आपके घरों की भी होगी और इसी तरह जमाती इंवाल को भी बड़ी एहतियात से खर्च करने की तरह तो जो होनी चाहिए जहाँ ज़ाती तौर पर कनात पैदा हो वहाँ जमाती अम्वाल को भी आसन रंग में खर्च करने की तरह तोजह पैदा हो इससे एक खामोश असर अफराद जमात पर आप डाल रहे होंगे कि ये जमाती अम्वाल की हिफाज़त करने वाले हैं और हमें इससे तोज् दिलाने वाले हैं और जब ये होगा तो फिर आपकी हर बात का असर अफराद जमात पर होगा फिर ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि खुद पसंदी और ख़ुदी ना हो कोई बात आप करें कोई लेक्चर दें कोई तकरीर करें कोई काम ऐसा करें जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो और उनको पसंद आए तो फिर इसको अपने लिए फ़ख्र का ज़रिया ना बना लें किसी किस्म की मवाहत नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की खुद पसंदी नहीं होनी चाहिए लोगों के सामने लोगों की बातें सुन के फिर और भी ज़्यादा अपने आप को के इजहार करने के लिए अपनी तारीफ़ ना करें ना ये ख्वाहिश करने के लोग मेरी तारीफ़ करें ना किसी रिपोर्ट में इस किस्म का इजहार हो कि मेरे इस काम से ये फ़ायदा हो गया हाँ अल्लाह ताला के फजलों का ज़िक्र ज़रूर करें कि ये काम हुआ इस तरह और अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और लोगों पे इसका असर हुआ वरना हम क्या चीज़ हैं अगर दूसरे इस तारीफ़ तख... इस करते हैं हाँ दूसरों का हक है वो तारीफ़ करें और अगर वो तारीफ़ करें और आपके सामने करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो होनी चाहिए इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला हर किस्म के केबर से हमें महफूज रखे और इस वजह से हमारी तरक्की के बजाय कहीं तनाजल ना शुरू हो जाए रूहानीत में फिर एक ये भी बहुत अहम बात है कि इबादत की पाबंदी हो तहज की पाबंदी हो एक मुरबी और मबलग से ये उम्मीद की जाती है कि वो बाकायदा तहजत पढ़ने वाला हो जैसा भी वक्त है जैसे भी हालात हैं कोशिश ये हो सवा अशद मजबूरी के कि आम तौर पर रजत पड़े, नवाफल की तरफ तोजह हो नमाज जमात की इंतहाई पाबंदी हो जमातें ये इतराज़ कर देती हैं कि मुरबी साहब ने मस्जिद नहीं खोली हम नमाज पढ़ने आए तो मस्जिद बंद थी या नमाज सेंटर बंद था ये इतराज़ कभी किसी मुरबी पर नहीं होना चाहिए हम जब भी हम मौजूद हैं वहाँ अगर किसी जमाती काम से बाहर नहीं गए हुए तो अपना नमाज सेंटर और मस्जिद नमाज़ के लिए खुली होनी चाहिए या ये कभी एहसास नबाज़ और ये भी शिकायत भी आ जाती है कि फ़जर की नमाज़ में रबी साहब नहीं आए गो उनका उधर होते हैं कि जी फलाम बीमारी थी या फलाम वजह थी लेकिन कभी कभार ऐसा होना तो कोई बात नहीं लेकिन आदतन ऐसा हो जाना फिर बद असर डालता जमात के अफरा पर हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि दुआओं और इबादत के बग़ैर हम कुछ नहीं और हमारे जो काम भी हैं वो दुआओं के ज़रिए से होने हैं और यही जमाती तरक्की का ज़रिया है यही तरबियत और तबलीग का ज़रिया है अल्लाह ताला के फज़लों को जज्ब किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह ताला के फजल को जज्ब करने के लिए इबादत बहुत ज़रूरी है दुआओं की तरफ तो जो बहुत ज़रूरी है जिक्र इलाही बहुत ज़रूरी है इस तरह सबको तोजह रखनी चाहिए फिर ये भी मुबल और मुरबे की खसूसियत होनी चाहिए कि इसमें इंतज़ामी काबिलियत भी हो सिर्फ अपने दीनी मसाइल को हल करने का मलका ना हो बल्कि इंसामी काबलीत भी हो जमाती कवायद का भी पता हो जमाती कवायद ख़ुद पढ़ें समझ आएगी जहाँ समझ नहीं आती वहाँ पूछें बाला बलाेदारों से और जमाती रवायात का भी इल्म होना चाहिए इसके लिए खुलफ़ा की तकरीरें खुबात मजामीन वगैरह पढ़ें उससे बहुत सारा इलम हो जाता है तभी जमात अफराद जमात की आप सही रहनमाई कर सकते हैं और ये भी कोशिश हो कि अफराद जमात में से ख़ास तौर पर नौजवानों में से ऐसे अफराद को हमने चुनना है और उनकी तरबियत करनी है जिनमें इस्लामी इंतज़ामी मामला सीखने की सलाहियत है फिर उनकी जमाती रवायात और कवायद के मुताबिक तरबियत करें ताकि जमात को काम करने वाले आइंदा नस्ल में मैसर आते रहें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अहदेदार अगर अपने सही ट्रेनिंग नहीं भी दे रहे तो मुरान ऐसे नौजवानों को अपने साथ लगा कर सही तरबियत कर सकते हैं ताकि नौजवानों को जमाती कवायद का भी इलम हो और जमाती रवायात का भी इलम हो और उनको पता हो कि हमने किस तरह आगे निज़ाम जमात को संभालना है ये ट्रेनिंग देना भी मुरबियान का काम है ये बात भी हमेशा मुरबी और मवलिक को सामने रखनी चाहिए कि आजकल के माहौल में जो गलत बातें रह पा रही हैं इनके अपने दुनियादार लोग भी जो हैं वो भी इस पर इजहार ख्याल कर इजहार ख्याल करते हैं और फ़िक्र का इज़हार करते हैं तो जो लोग दुनियावी रुझान रखने वाले हैं बाद लोग ऐसे हैं जो आपकी दीनी दलील से कायल नहीं होते आपकी बातों से कायल नहीं होते कहते हैं तुम्हें क्या पता दुनिया में ये हो रहा है ये हो रहा है उनको इन दुनियादारों की दिलीलों से समझाएं कि ख़ुद ये लोग अब्बास बातों को तो तस्लीम कर रहे हैं कि ये गलत है स्कूलों में बच्चों को छोटे बच्चों को जो तलीम दी जाती है उसके बारे में ख़ुद इनके अपने लोग आवाज़ उठाने लग गए हैं औरतों के हकूक़ हैं उनके बारे में इनके अपने लोग आवाज़ उठाने लग गए मिक्स गैदरिंग हैं उनके बारे में लोग आवाज़ उठाने लग गए हैं शराब का इस्तेमाल है उसके बारे में अब नए मज़मून आने लग गए हैं कि पहले ये कहते थे कि जी हफ्ते में एक दफ़ा दो पी लो तो कोई हर्ज नहीं अब मेडिकली ये भी उन्होंने गुजत दिनों में एक आर्टिकल आया तो साबित किया है रिसर्च में कि मुकम्मल तौर पर शराब को तर्क करना चाहिए क्योंकि ये नुकसान पहुँचाती है तो बहुत सारी बातें हैं जिनका इलम आपको होता है इसलिए दुनियावी तौर पर भी अपने इलम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस लिहाज से भी तो ये तबलीग और तरबियत के लिए आपको फ़ायदा देगी ये बात मैंने पहले भी कही है कि अपने इलमी हालत को बेहतर करने की कोशिश करते रहें यह कभी ख़्याल न लाएं कि मेरा दीनी इलम बहुत है और मैं हर बात का जवाब दे सकता हूँ जहाँ दुनियावी को बढ़ाने की कोशिश करें वहाँ दिनी इलम को भी बढ़ाते चले जाएँ मैंने पहले भी कहा है ये कोई हद, हद नहीं है दिल्ली इलम के हासिल करने की इलम हदीस में आया है कि कबर तक हासिल करते चले जाओ बस इलम को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए फिर इलम को बढ़ाने के साथ साथ नए अतराज़ात का जो इस्लाम पर होते हैं इतराजात तो पुराने ही हैं मुख्तफ़ रंगों में मुख्त तरीक़ों से दजाली चालों की वजह से उनको पेश किया जाता है उनके जवाब देने की कोशिश भी हर एक को करनी चाहिए उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कुरान करीम की तालीम के मुताबिक इनके जवाब तैयार करें दुआ करके इनके जवाब देने की कोशिश करें दूसरों से मालूम लेकर इनके जवाब देने की कोशिश करें मुखलिफ़ु की किताबें पढ़ के इनकी जवाब देने की कोशिश करें बहरहाल इलम को हर लिहाज से बढ़ाने की कोशिश हर एक को करनी चाहिए ताकि वह तज़ीन के एतराज़ात के जवाब आप ख़ुद दे सकें ये नहीं कि खामोशी से बैठ गए तबलीग के, के मैदान में ये बात भी याद रखनी चाहिए कि किस शख्स से किस दलील से बात करनी है हर एक से एक स्कूल से बात नहीं की जा सकती पहले इसकी बीमारी को पकड़ कर फिर तब्लीग करनी चाहिए जो शख्स मजहब को ही नहीं मानता उसको बाकी मज़ाहब पर इस्लाम की बरतरी बताने से क्या फ़ायदा हासिल होगा कहते तो जो भी मजहब मुझे सीखे पहले उसको मजहब की अहमियत क़ायल करना होगा इसी तरह जोशा तला की हस्ती का कायल नहीं पहले उसे अकल और इल्मी दलाल से अकली और इल्मी दलाल से खुदा ताला की हस्ती का, का कायल करना होगा बहरहाल ममल में जो तजुर्बात हों जो मुश्किलात हों उनके हल करने के लिए इलमी और अकली दलाल तलाश करने और खुद दुआ करके फिर इस बारे में मेहनत भी करना एक मुरबी का काम है फिर ये भी याद रखें कि दूसरों के लिए कुर्बानी का मादा भी मुरबी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए ये अमल दूसरों को आपके करीब लाएगा और आपकी बातों में तस्वीर पैदा करेगा जब ये पता हो कि मरुपी हमारे लिए किस तरह दर्द जैसा पहले हम हो गया हमदर्दी का दर्द सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि हमदर्दी को आगे चलाने के लिए अब यहाँ कुर्बानी की बात है क़ुरबानी भी करनी होगी फिर ये बात भी याद रखें कि तबलीग के मौक़े आपने खुद तलाश करने हैं बाज़ कह देते हैं कि यहाँ तो ये तबलीग के मौक़े नहीं लोग हमारी बात नहीं सुनते हम किस तरह तबलीग करें अपने माहौल के मुताबिक देखें कि किस तरह तब्लीग करनी है बज दफ़ा इंफरादी तौर पर तबलीग तल्लक़ बना कर तब्लीग की जाती है बज़ दफ़ा मुख्तलि मौजूद पर सेमिनार मनक़द करके जमाती निज़ाम के तहत तबलीग के रास्ते खोले जाते हैं बज दफ़ा बाज इस्लामी तलीम इस्लामी तालीम के मुताबिक दुनियावी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ हंफलेट भी तकसीम किए जा सकते हैं बना के छोटे छोटे ब्रोशर जो लोगों के सामने जब आएँगे तो फिर वो गौर करेंगे ये हल पेश करने वाले कौन लोग हैं फिर आगे रास्ते खुलते चले जाएँगे बहुत से तरीक़ मुख्तलि लोग जिनको तबलीग का शौक़ है वो अख्तियार करते हैं इसी तरह सोशल मीडिया है. इस पर इस्लाम की खबू तालीम के बारे में छोटे छोटे अकबास लिख कर डाल देते हैं बात लोग वो भी एक जरिया तबलीग का बहरहाल मुख्तल रास्ते हैं जो ख़ुद तलाश करें किन रास्तों से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं किस तरह हम तबलीग को के काम को सर अंजाम दे सकते हैं किस तरह हम इस्लाम के पैगाम को लोगों को किारों तक पहुँचा सकते हैं आवाज़ देना हमारा काम है जिसकी फ़ितरत नेक है वो आएगा अंजाम कर जमात की अखलाक़ी और इलमी तरक्की और इसके मैार को बुलंद करना भी मुरबी की ज़िम्मेदारी है इस बारे में भी जायज़ा लेकर और मुतलका सक्रटरीान को मुसलसल तोज़ो दिलाकर मुरबी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और सबसे बढ़कर जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि दुआ की तरफ दरख्वास्तों जो दें हमारे काम अपनी तरफ़ से जो वसाइल मैसर हैं उन पर को इस्त, उनको इस्तेमाल करके और हमारे जो इलम है उसको इस्तेमाल करके हमारे से जो कोई कोशिं हो सकती हैं उनको बरूएक ला कर दुआ उसके बाद फिर दुआ के ज़रिए से अल्लाह ताला के आगे झुकते हुए इनके बेहतर नजैज की दुआ करें अल्लाह ताला से अगर इस तरह हम मांगेंगे तो यकीन हमारे कामों में बरकत पड़ेगी अल्लाह ताला हमारे हर काम में बरकत डाले आपको मैदान अमल में भी कामयाबियाँ त फरमाए जहाँ जहाँ जिस जिस मुरबी को लगाया गया है वो उसको वहाँ बेहतर रंग में आसन रंग में ख़िदत दीन की तोफ़ीकता अल्लाह अल्ल तब सब को खिलाफत का सुल्तान नसीर बनाए और हकीक़त में आप वो बन जाएं जो अल्लाह एक ताकफी ज़िंदगी से चाहता है जिसकी हजरत मसीम ने ख़्वाहिश की और जो एक पाक नमूना बनकर दुनिया के मैं इनकलाब पैदा करने वाले हूँ अल्लाह ताला आप सबको इसकी तफ़ीकता फरमाए दुआ कर लें I mean...